देखिए, एक तो ये हत्या है, निश्चित तौर पे हत्या है, और हत्या जितनी होती है वो निर्मम ही होती है। लोग कहते हैं बेरहम हत्या, तो रहम वाली हत्या कोई नहीं होती। ये एक ऐसी सी जगह पे ऐसे ऐसे हालात में हुए हैं कि जिसके पीछे की मंशा क्या है वो बहुत बड़ी भी षड्यंत्र भी हो सकता है, संघर्ष को बदलने का रूप भी हो सकता है, लोगों की भावनाएं भड़काने का रूप भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें शांति मेंटेन रखनी चाहिए, संयुक्त किसान मोर्चा को इसमें जांच में पूरा सहयोग करना चाहिए, और जो भी इसके अंदर दोषी हो, देखिए मेरा अपना मानना यह है कि निहंग जो हैं वो क्रिमिनल मेंटेलिटी के नहीं हैं, वो धार्मिक मेंटेलिटी के हैं। अगर उनके धर्म को प्रवोक किया गया होगा या अपमानित किया गया होगा तो उन्होंने हो सकता है ऐसी कार्रवाई की हो, और आप उसमें ये निश्चित मानकर चलिए कि वो पुलिस की सहयोग भी करेंगे, और जो उसमें से होगा, क्योंकि वो क्रिमिनल नहीं है तो आत्मसमर्पण भी करेगा, वो धर्म के लिए आगे भी बढ़ेगा, आत्मसमर्पण भी करेगा। और अगर कोई और इसमें एंगल है, इसमें कोई और इन्वॉल्व है, तो वो फिर इसे छुपाने की कोशिश करेगा। तो अभी ये सभी इन्वेस्टिगेशन का मामला है, हम सब इसमें सहयोग करेंगे और शांति को बनाए रखने में अपना पूरा का पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि इस एक इंडिविजुअल घटना का आंदोलन से, किसान आंदोलन से, किसानों की मांगों से कोई लेना देना नहीं है, एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। लेकिन मैं जो सीरियस बात इसमें आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स क्या कर रही थी। किसी आदमी को अगर मारा पीटा जाता है तो वहाँ शोर मचता है, अगर किसी आदमी को काटा जाता है तो वहाँ शोर मचता है, दो आदमी आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं तो चार आदमी अपने आप जमा हो जाते हैं बचाने के लिए, अलग करने के लिए या लड़ने के लिए। तो वहाँ इतनी बड़ी घटना हुई और वहाँ LIU का कोई भी, उनके पास इसकी फीडबैक नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी, उपस्थिति नहीं थी, ये चिंता का विषय है। सरकार अपना करने का काम वहाँ पे, जो पुलिस प्रशासन है वो अपना काम मुस्तैदी से करे, और अब वहाँ पे अपने जो है उपस्थिति को और ज़्यादा बढ़ाए, सक्रियता दिखाए, और इसकी इन्वेस्टिगेशन संयुक्त किसान मोर्चा इसमें पूरा सहयोग करेगा। अच्छा, इस घटना के बाद जो है अमित मालवीय जी को आप जानते होंगे, उनका एक ट्वीट जो है इस समय वायरल हो रहा है, और उन्होंने जो है तंज कसते हुए कह दिया है कि बलात्कार, हत्या, वेश्यावृत्ति और साथ ही साथ में हिंसा, अराजकता, किसान आंदोलन के नाम पर ये सब होता रहा है। अब हरियाणा के कुंडली बॉर्डर पर युवक की जो है बर्बर हत्या की गई है, ये कौन किसान हैं, कहाँ से आते हैं, ये किस तरीके की मानसिकता रखते हैं किसान, साफ तौर पर ये ट्वीट जो है चल रहा है। अमित मालवीय जी, हाँ जी, IDCL BJP, तो देखिए उनके साथ BJP जुड़ा हुआ है, और BJP वाले नरेंद्र मोदी जी के प्रभाव में योगा बहुत करने लगे हैं, और योगा में शीर्षासन करते हैं, सिर नीचे पैर ऊपर, और इन्हें दुनिया उल्टी दिखती है। इस घटना में किसी राजनीति को ढूंढना, किसानों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना, और ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा लगाया जाना जहां 700 के लगभग किसान मर गए, तब इनकी संवेदनशीलता तो जागी नहीं, और आज ये इतने संवेदनशील बन रहे हैं, तो इन्हें ये सब बातें कहने सुनने का कोई अधिकार नहीं है। माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना करें अमित मालवीय जी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है, उन्हें करने दे। यही बात हमने लखीमपुर में कही थी, पुलिस अपने करने का काम करे। वहाँ पे गिरफ्तारी हुई, टिकैत जी ने भी वहाँ समझदारी की बात करी, बड़प्पन दिखाया, दिल का बड़ापन दिखाया कि भाई ये दर्दनाक हादसे फैलने नहीं चाहिए, और उसे वहाँ रोका। आज उस चीज़ की ज़रूरत यहाँ भी है कि पुलिस प्रशासन अपना कार्य करे, जांच में संयुक्त किसान मोर्चा पूरा सहयोग करेगा, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, इसका आंदोलन से ऐस सच कोई लेना देना नहीं है। तो क्या